वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सिम्स। यहाँ पर एक मैच हो रहा है जो कि खेला जाएगा इजिप्ट प्रीमियर लीग का सीईसी वर्सेस फेरको के बीच 9:30 बजे। इस सीजन का ये दूसरा मैच है और पिछले साल इस टीम के वैसे आई थिंक 2 से 3 मैच हुए थे जो दोनों मैच ड्रॉ हुए थे। एक मैच ड्रॉ हुआ था 2-2 से, एक मैच ड्रॉ हुआ था 0-0 से, लास्ट थर्ड मैच ड्रॉ हुआ था 1-1 से। मतलब इनका ड्रॉ रेशियो बहुत तगड़ा है, ये दोनों टीम्स में से जीत कोई पाता नहीं, बहुत कम होता है कि कोई जीते, ड्रॉ रेशियो ज़्यादा है। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो सीईसी और पीएफसी के अंदर मेरे हिसाब से आप लोगों को सीईसी को फेवर करना चाहिए क्योंकि इस वक्त ये टीम टॉप 10 में एक नाम, मतलब एक नाम पे ये टीम टॉप 10 पे है अगर आप मानो, क्योंकि ये ना ये 9वें नंबर पे, ना ये 11वें, आप समझ रहे हो ना। मतलब ये टॉप 10 में आप गिनो या ना गिनो वो हमारे ऊपर है। और अगर मैं पीएफसी की बात करूँ वो तो बिल्कुल पीछे है। तो सीईसी का कम से कम एक गोल तो आना चाहिए भाई, एक नहीं तो नहीं, एक गोल तो मिनिमम आना चाहिए। अगर सामने वाली टीम एक गोल कर रही है तो इनको 2 करने चाहिए, मेरे हिसाब से इनको जीतना चाहिए। आज ये टीम जीतने को देखे तो मेरा ऐसा मानना है कि सीईसी इज़ मच बेटर देन पीएफसी इन दिस मैच और अभी इस टाइम। तो आगे चलते हैं, तो स्ट्राइकर की बात करूँ, स्ट्राइकिंग सेक्शन में भाई अपना एक प्लेयर है जिसका नाम है अहमद यसर रेयान। भाई टॉप क्लास प्लेयर, मैक्सिमम गोल जितनी भी पूरी टीम में होते हैं, अगर इस टीम ने 10 मैच में 12 गोल किए तो उन 12 के अंदर मिनिमम 6 से 7 गोल इस अकेले लड़के के होते हैं। मतलब पूरी टीम एक तरफ, ये अकेला एक तरफ, इतना गोल रेशियो है इस बंदे का। अब बहुत मैक्सिमम गोल करता है भाई, मतलब इवन वैसे सीईसी इतने ज़्यादा गोल करते नहीं, जब भी गोल होता है उसमें इस बंदे का रोल ज़रूर होता है। और इसकी सिलेक्शन बेसिस पे आज अगर आप देखो तो आज भी इसकी सिलेक्शन कम है, तो हो सकता है आपको फ़ायदा दे, देना भी चाहिए। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें तो यार ये टीम थोड़ी सी आपको तंग कर सकती है क्योंकि ना लोग एस मलिक के साथ जाएंगे और मैं राय दूंगा आपको एक गमल के साथ जाना चाहिए। मेरा जो हिसाब कह रहा है गमल पेनल्टी टेकर है, कल को आप पेनल्टी टेकर छोड़ते और एक पेनल्टी अगर आपका काम बिगाड़ जाती तो आप फिर पछताओगे और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। सो गो विद दिस प्लेयर। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें, एकम है, एब्यूका है, ठीक है, मतलब ऑप्शन आप पे हैं, भर भर के हैं, ऐसी बात नहीं, आपके पास ऑस्मन है, लेकिन मैं कहूंगा आप लाइनअप्स तक रुको, पहले आप देखो कि कौन सा सेकंड स्ट्राइकर खेल रहा है। अभी आप मिडफील्डिंग सेक्शन में आओ, मिडफील्डिंग सेक्शन के अंदर एस ओगोला द सेकंड हाईएस्ट गोल मेकर, फर्स्ट नंबर पे है इनका ए वाई रियान, दूसरे नंबर पे है ओगोलो, ठीक है, द मेन प्लेयर ऑफ द टीम। उसके बाद अगर आगे प्लेयर की बात करें सीईसी की, ना अहमद भाई ये तो लोग सिलेक्शन बेसिस पे उठाते हैं, मैंने ज़्यादातर ये चीज़ देखी है, ये जिस दिन फ्लॉप होता है ना उस दिन भी कोई हारता नहीं। मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस किया, मैं इतने सीजन से टीम बना रहा हूँ तो इजिप्ट के ज़्यादा मैच तो ऐड होते नहीं। अब जितने छोटे मोट मतलब थोड़े बहुत जो मैच ऐड होते हैं उसके अंदर इस प्लेयर का एक रोल है तगड़ा। उसके बाद इब्राहिम की बात करूँ, इब्राहिम तो ऐसा है कि जिन लोगों ने रिस्क लेना है, जिनको लगता है कि ये गोल कर सकता है वो लोग लेंगे, मुझे नहीं लगता पर्सनली, तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि बेमतलब प्लेयर को लेना हार का कारण है। उसके बाद मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पर है यहाँ पर एक पीएफसी का प्लेयर है जिसका नाम है मोहम्मद फखरी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डब्ल्यू फराग, ये मेन है क्योंकि आपको इसकी जगह पर कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं मिलने वाली, खास तौर पे इस प्लेयर की, डब्ल्यू फराग की बिल्कुल भी नहीं। एंड बात करें डिफेंडिंग की, शौकरी, उसके बाद ए हैंडी और रमदान, ठीक है, इन तीनों को ज़रूर लेना है। और अहमद रमदान मोहम्मद का गेम प्ले जो है वो थर्ड डिफेंडिंग पे एटलीस्ट बहुत अच्छा है, जबकि ज़्यादातर प्लेयर फ्लॉप होते हैं इस पोजीशन पे। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ देन सोभी, अगर सोभी ना खेला देन सामिर, बट सामिर का अभी समझ में नहीं आ रहा तो इनमें से ही कोई खेलेगा। एंड बात करें गोल कीपिंग की तो एम सैयद सिखा, ठीक है। बाकी बात करें कैप्टन की, कैप्टन है मेरा ए यसर रेयान, वाइस कैप्टन है एस एग्योला। तो ये मेरी टीम है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।